नशा हमारे समाज की एक बड़ी समस्या है, एक ऐसी समस्या जो जिंदगी को अंधेरे भविष्य की ओर मोड़ देती है। बच्चों में अक्सर नशे की यह लत 9-10 वर्ष की उम्र में ही शुरू हो जाती है। नशा गांव शहर या अमीर गरीब नहीं देखता, किसी भी वर्ग के बच्चे इसके चंगुल में फंस सकते हैं। इसलिए माता पिता के लिए जरूरी है कि अपने बच्चे को इससे दूर रखें। यह जरूरी है कि आप बच्चे में नशे के लक्षणों को समझें, जैसे घर में रखे हुए पैसों का अचानक लगातार गायब होना, बच्चा पहले अच्छे नंबर ला रहा हो लेकिन अचानक उसका परफॉर्मेंस एकदम खराब हो जाना, स्कूल से शिकायतें आना शुरू होना, बच्चे का खोया हुआ या उदास रहना। इन लक्षणों के साथ ही बच्चे के शरीर, आदत और व्यवहार में कई बदलाव आपको दिख सकते हैं। बच्चे की आंखें लाल रहना, बच्चा कहना कुछ चाहता है लेकिन बोलता कुछ है, उसके हाव भाव में बदलाव, उसके पास में और कपड़ों से खास तरह की गंध आना, अचानक झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ना, बच्चे के पास या उसके सामान में माचिस, कफ सिरप, कोई पुड़िया, प्लास्टिक या रबर चिपकाने का गोंद, बाम और वाइटनर जैसी चीजों का मिलना। इस उम्र में बच्चों पर दोस्तों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ध्यान दें कि आपका बच्चा स्कूल, ट्यूशन, खेल कूद में किन दोस्तों के साथ रहता है। यदि बच्चा किसी ऐसे दोस्त या व्यक्ति के बारे में ज्यादा बात करता है जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना है, तो ऐसे व्यक्ति से मिलकर या बच्चे से उसके बारे में और जानकारी लें। आपने समझा कि किस तरह के लक्षणों पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे जरूरी है बच्चे से नियमित रूप से बात करना। उसका दिन कैसा रहा, दिन भर में क्या क्या हुआ, साथ ही जानने की कोशिश करें कि उसे कोई समस्या तो नहीं। उन्हें सजग करें कि नशा किन किन चीजों से होता है और वो शरीर पर कैसे असर डालता है। साथ ही उन्हें समझाएं कि उनके साथी किस तरह उन्हें इन चीजों को एक बार ट्राई करने के लिए कह सकते हैं। उन्हें इन चीजों और व्यक्तियों से सावधान रहना है और ना कहना है, क्योंकि ना कहना हिम्मत और बहादुरी की बात है। बच्चे का हौसला बढ़ाएं और उन्हें यह एहसास कराएं कि आप हमेशा उनके साथ खड़े हैं। आपकी सतर्कता और ये समझाइश बच्चे के जीवन को नशे के अंधकार में जाने से रोकने का काम करेगी। अगर आप भी अपने बच्चे में नशे से जुड़ा कोई लक्षण देखें तो सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र या सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त गैर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र की सहायता लें या किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें।